हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोटिवेशनल वीडियो सीरीज में आज कुछ और टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करने आए हैं, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि चैप्टर का रिवीजन कैसे किया जाए, रिवीजन ऑफ एनी चैप्टर, रिवीजन ऑफ चैप्टर। चैप्टर को हमें कैसे रिवाइज किया जाए, किसी भी चैप्टर को, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उस चैप्टर को, उसके पेज को, उसके टॉपिक को कैसे रिवाइज किया जाए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी चैप्टर कैसे रिवाइज कर रहे हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू से उसे पढ़ते हैं और जाते जाते हो सकता है कि लास्ट में हम लोग उस चैप्टर के लास्ट में न पहुँचे, चाहे जो भी रीजन हो, उस चैप्टर को शुरू किए, बीच में पहुंचे, लास्ट में कुछ चैप्टर को लास्ट तक पढ़ते हैं, या हो सकता है लास्ट का कुछ पेजेज रह जाए। तो आपको चैप्टर को रिवीजन करने के लिए, आपको चैप्टर को रिवीजन शुरू करने के लिए, आप चैप्टर को लास्ट से शुरू कीजिए। आपने कई बार उस चैप्टर को पढ़ा है लेकिन हो सकता है लास्ट का या बीच का या लास्ट से कुछ पहले का टॉपिक आपका बच गया हो, तो उसको डिस्कस करना जरूरी होता है। इसीलिए जब भी आप कई बार रिवाइज करते हैं तो उस चैप्टर को आप लास्ट से शुरू कीजिए। लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ पेजेज होते हैं, तो आप को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है आप लास्ट का दो या तीन टॉपिक ले लें उस चैप्टर का, फिर दूसरे चैप्टर का भी वही ले लें, उससे नेक्स्ट चैप्टर का यही ले लें। अगर आप एक बार सिटिंग करते हैं, जैसे दिन में फर्स्ट सिटिंग है, तो फर्स्ट सिटिंग में आपको कुछ चैप्टर के लास्ट के दो तीन चार टॉपिक ले लेने हैं। आपने पांच या छह या सात चैप्टर सेलेक्ट किया, उसके लास्ट के टॉपिक लेने हैं, उसको रीड कीजिए, उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकालिए और उस पॉइंट को नोटबुक में नोट कीजिए, फिर पॉसिबल है तो उसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको लास्ट से शुरू में आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला कुछ टॉपिक या पेजेज या कभी कभी समरी, समरी भी इम्पॉर्टेंट है, समरी में कुछ चीज़ें दी होती है जो हो सकता है उस चैप्टर में मेंशन ना हो, तो आपको लास्ट से रिवाइज करना है। आपने लास्ट से कुछ पेजेज लिए, आपने लास्ट का तीन चार टॉपिक लिया, पांच टॉपिक लिया एक सीटिंग में, उसको रिवाइज किए, दूसरे चैप्टर का भी ऐसे ही करेंगे। फिर आप आ जाइए सेकेंड सीटिंग, उसी दिन अगर आपकी सेकेंड सीटिंग होती है उस सब्जेक्ट में, तो जो कुछ और टॉपिक लास्ट का है या लास्ट से पहले का है, तीन चार टॉपिक, उसको आप फर्दर कवर कर सकते हैं यहाँ पे इन सेकेंड सीटिंग। सेकेंड सीटिंग या थर्ड सीटिंग आपकी होती है उसी डे में, तो और वो होनी चाहिए, आपकी कई सीटिंग होने चाहिए, आप या दो या तीन घंटे के लिए एक सीटिंग में बैठते हैं, तो ऐसे दो से तीन सीटिंग होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे दो घंटे या तीन घंटे में आप तीनों सब्जेक्ट की सीटिंग करते हैं, तो ऐसे आपकी दो तीन सीटिंग होनी चाहिए। तो आप सेकेंड सीटिंग या थर्ड सीटिंग उसी डे उस चैप्टर के लास्ट से जो आपने लिया था उससे पहले का कुछ और टॉपिक या कभी कभी जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपने कवर करना है। इसी तरह से लास्ट में कुछ पेजेज हैं, उस पेज को एक या दो या तीन या चार पेज को आप एक साथ लीजिए, उसमें से टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उसको आपको रिवाइज करना है, साथ साथ आपको फ्लो चार्ट बनाना है। उस फ्लो चार्ट में अगर और कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरे जगह से सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा चैप्टर के अलावा कोई पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को वहाँ नोट करना है, या तो फ्लो चार्ट में आपने उस पॉइंट को ऐड कर लिया या वहाँ पे नोट डाल के आप वहाँ पे एक नोट डाल दीजिए,
और वहां पे लिखिए कि दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. जैसे राइबोसोम, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, डिस्कवर्ड बाय पैलेड, सो कॉल्ड पैलेड पार्टिकल. तो ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप वहां पे लिख देंगे इट इज कॉल्ड पैलेड पार्टिकल, क्योंकि पैलेड ने इसे डिस्कवर किया था. तो इस तरह से आपको चैप्टर को रिवाइज करना है. ये रिवाइज करने का एक बहुत ही स्मार्ट वे है. रीजन ये है कि हम लोग लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं उस चैप्टर के लास्ट में से कुछ पैराग्राफ, कुछ टॉपिक, कुछ पेजेस, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते हैं, वो वहाँ से रह जाते हैं. तो यू हैव टू रिवाइज चैप्टर फ्रॉम लास्ट. ये एक तरीका है. वहाँ से आपको पेजेस निकालने हैं, वहाँ से आपको टॉपिक निकालने हैं. इस तरह से चैप्टर का रिवीजन लास्ट मोमेंट में होना चाहिए. तो आप फ्लो चार्ट साथ साथ बनाते रहेंगे और चैप्टर में, चैप्टर का समरी बताए थे, समरी में कुछ चीजें इम्पॉर्टेंट है वो दी होती है, तो समरी से भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है. कुछ एक दो चार चीजें वहाँ पे मिल जाएगी जिससे आपको फ्लो चार्ट बना लेना है. जैसे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. वहाँ पे पेज नंबर 263 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है कि IUCN रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट 2004, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN है. उन्होंने 2004 में बताया था कि पिछले 500 ईयर में लगभग 784 स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गए. किस ऑर्गेनिज्म के कितने, इसका एक फॉर्मूला है VIP, वी फॉर वर्टिब्रेट्स के कितने, 338. वर्टिब्रेट का नंबर है 338. इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के नंबर है 359 और प्लांट्स के नंबर है 87. इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 784. लास्ट 500 ईयर में अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट इतने सारे 784 स्पेसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं. उसका फॉर्मूला है VIP, वी फॉर वर्टिब्रेट 338, आई फॉर इनवर्टिब्रेट 359, पी फॉर प्लांट्स 87. तो इस तरह से आपको फॉर्मूला के साथ, फ्लो चार्ट के साथ नोट लिख के कुछ चीज़ें जो NCERT में मेंशन नहीं है उसको साथ साथ लेते हुए, वैसे मोस्टली NCERT कवर करता है, तो आपको ये साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला आपको अपने से डेवलप करना पड़ेगा और उस फॉर्मूला को हमेशा रिमाइंड करते रहना है सो दैट आपका रिवीजन प्रॉपर होता रहे. इस तरह से ये एक तरीका है. दिस इज मोटिवेशनल वे ऑफ स्मार्ट वे. आपको इस तरह से रिवाइज करना है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को. इस तरह से अलग अलग मोटिवेशनल टॉपिक, मोटिवेशनल सब्जेक्ट लेके हम आएंगे अगले वीडियो में, और आप इस सब को रिवाइज करते रहिए, इसको देखते रहिए, इसको फॉलो करते रहिए, सो दैट आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो, आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आपको गुड रैंक मिले. होप कि आप इसे फॉलो करेंगे. गुड लक, थैंक यू, बाय बाय. अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, कुछ और मोटिवेशन की बात करेंगे. थैंक यू.